कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे हम भी बिल्कुल ठीक हैं. आज का ब्लॉग बहुत ही मीठा ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली बनाने जा रहे हैं लड्डू है ना यू ईमान हम बनाएंगे बेसन के लड्डू हाँ यू वॉन्टेड यस तो चलिए लड्डू बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स लड्डू तो बनाएंगे लड्डू का सामान इकट्ठा करेंगे बट इकट्ठा करने से पहले बेबी को सेटल करेंगे क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है अगर बेबी के साथ ऐसे वाले बेबी के साथ लड्डू बनाने शुरू करेंगे ना तो पता क्या होगा बेसन जल जाएगा ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, है ना ही वन तो जब तक वन सेटल नहीं होता बेसन भुनने नहीं रखा जाएगा क्योंकि बेसन जल जाएगा सो फाइनली सुबह के लगे वो लड्डू बनने अब शुरू है मैंने सुबह सबसे पहले शूट पता है कि ओके था नौ बजे कि मैं अपना लड्डू बनाऊंगी पर युवान के साथ मेरे लड्डू बने पड़े हैं तो अब 5:30 हम लड्डू बनाने शुरू करेंगे प्रीति मुझे शूट करेगी मम्मा मत कर ज्यादा चलो बनाते हैं लड्डू तो लड्डू बनाने के लिए हमने लिया था घी बेसन मोटा वाला बेसन लिया था हमने जो कि लड्डू बनाने के लिए स्पेसिफ़िकली होता है और साथ में ली थी चीनी बस ये तीन चीज़ों से ही मैंने लड्डू बनाया है और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं डाला तो जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ तो मैंने उसमें अपना बेसन डाल दिया जो बाकी की क्वांटिटी सब कुछ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी ताकि आप लोग इजीली क्वांटिटी फॉलो कर पाएँ तो ऐसे मैंने बेसन डाला था थोड़ा सा ऑयल जब गर्म हुआ उसके बाद और उसको भुनना शुरू किया तो बेसन को भुनने में डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिट्टी और आपके किस तरीके का बेसन है उस इसके हिसाब से पंद्रह बीस और पच्चीस मिनट के बीच का टाइम जो होता है वो लगता है मैंने एक कप बेसन से बनाया था तो मुझे बीस से बाईस मिनट लगे थे बेसन अच्छे से भुनने के लिए जो सारे घर में खुशबू सी महकने के लिए और फ्रेंड्स भूलना मत बेसन को चलाते रहना है क्योंकि बेसन अगर नीचे लग जाएगा तो बेसन जल जाएगा और उसका कलर डार्क हो जाएगा लेकिन अभी भुना नहीं होगा वो वो डार्क हो जाएगा बट भुना नहीं होगा और ये देख लो युवान मेरे साथ बेसन भुन रहा था क्योंकि उसको भी कराए करछी मारनी थी तो आई लेट हिम डू दैट सो दैट ही कैन ऑल्सो इन्जॉय और उसके भी हाथ लग जाएगा लड्डू मतलब लड्डू बनाने का क्रेडिट उसको भी मिल जाएगा युवान लड्डू बनाएगा लड्डू लड्डू बनाएगा लड़ू लड़ू बनाता है ना ये और ये पता नहीं कहाँ से लड्डू बनाते बनाते मतलब बेसन भुनते भुनते युवान को संतरा दिख गया था तो वो पहले कहता कि मुझे ऑरेंज खिलाओ उसके बाद मम्मी लड्डू बनाना ही वॉज लाइक ए ए ए मम्मा ऑरेंज ही खाना है तो पहले मैंने ऑरेंज खिला उसके लिए और मैंने प्रीति को बुला लिया था तो मैंने कहा प्रीति कोई बात नहीं तो शूट बाद में कर पहले बेसन भुनना शुरू कर क्योंकि वो लग जाएगा साथ ये तो यू नो बेटर बेरी ऊ इसको बाहर करन कर दिया है <laughs> ये वाले लड्डू पता सारे मिलके बनाएंगे देखिए सबके हाथ लगाएंगे लड्डू कल सुबह ही बनेंगे जितना मुझे लगता है क्योंकि अभी रात को ठंडा होएगा मिक्सचर है ना ये गौरव बनाएगा देख लियो हंड्रेड परसेंट सबका हाथ लगेगा लड्डुओं पे तो मैंने ना एक बार बनाए बहुत थोड़े से मैंने एक बार ना बहुत थोड़े से बनाए क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए कितना ये क्या नींबू है तो गाइस बेसन भुन गया था अच्छे से थोड़ी सी कसर रह गई थी तो मैंने घी डाल दिया था इसमें मैंने एक कप बेसन के लिए आधा कप घी लिया था और इसको अच्छे से चला लिया था चलाते चलाते अराउंड 22-25 मिनट हो गए थे और इसका रंग बहुत ही सुंदर आ गया था ये देखिए तो हमने गैस बंद करके इसे गैस से हटा दिया था ये बहुत ज़रूरी है गैस से हटाना और क्योंकि इसको करते करते हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर मंचिंग करते हैं तो आज मैंने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़ ये मैंने कोई स्क्रैच से नहीं बनाए थे वो जो फ्रोज़न आते हैं उन्हीं को मैंने गर्म किया था मतलब एयर फ्रायर में बनाया था और मिक्सचर मेरा ठंडा हो गया था तो मैं क्यों बोल रही थी कि हमेशा ज़रूर मेक श्योर करें कि आप कढ़ाई को गैस से हटा लें क्योंकि ये इंडक्शन गैस होती है ना तो जो फ्लैट टॉप होता है वो अभी भी, भी गर्म ही होता है एक्चुअली बर्तन भी गर्म होता है तो वो नॉन स्टॉप कुकिंग चलती रहती है तो इसलिए आप उसको गैस से हटा दें और अगर हो सके तो बर्तन भी चाहे उसको जो आपका बेसन का मिक्सचर है उसको भी निकाल के किसी और बर्तन में डाल दें कि, कि कुकिंग जो है वो बंद हो जाए और ये देखिए मैंने चीनी डाल दी थी तो एक कप बेसन में मैंने एक कप चीनी ही डाली एक्चुअली एक नहीं सवा कप एक कप और एक आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी डाली थी और बनाना शुरू कर दिया था ये देखो यार मैंने ना सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या किया युवान को टेस्ट कराया छोटा-छोटा तो गुली बना के मैंने युवान को दी थी खाने के लिए सबसे पहले अम्मी लड्डू का <laughs> हुँ? हुँ? <laughs> <laughs> तो खिचड़ी कौन खाएगा यौन? अगर आप लड्डू खाओगे तो खिचड़ी कौन खाएगा हुँ? तो कहीं अभी युवान सो गया और अब मैं बनाऊंगी फाइनली लड्डू क्योंकि मिक्सचर एकदम ठंडा हो चुका है और चलिए मैं बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ मेरा मिक्सचर भी तो समवेयर अराउंड दो से ढाई घंटा हो चुका है इसको बने हुए अच्छे से ये हार्ड हो गया है बिल्कुल देखो मैं इसको थोड़ा सा पहले ना वो करती हूँ गर्म करती हूँ और उसके बाद लाइक हल्का सा रूम टेम्परेचर पर ले आती हूँ ज़्यादा ही ठंडा हो गया और फिर इसके लड्डू बनाती हूँ तो मैंने इसको सिर्फ आधा मिनट गर्म किया था और ये अपने लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे मैं बड़ी एक्साइटेड थी बनाने में इनको आप देख ही रहे हो मेरी एक्साइटमेंट तो मैंने छोटे छोटे लाइक मीडियम मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए बहुत छोटे भी नहीं बहुत बड़े भी नहीं क्योंकि मैंने एक बार बहुत छोटे छोटे बनाए थे तो गौरव बोलता है इससे तो बस जाड़ ही मतलब कि सिर्फ ही तो मुंह गीला करने के लिए हैं तो मुंह में फील ही नहीं होते लड्डू तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लड्डू बनाया था तो मतलब फ्रेंड्स आप भी कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कौन सी इंडियन स्वीट पसंद है मतलब मुझे भी बेसन के लड्डू सच में पसंद है पर मैं इतने नहीं खाती हूँ बट फिर भी मुझे अच्छे लगते मेरी फेवरेट तो काजू कतली है आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपके कौन से फेवरेट हैं और आपको क्या बनाना घर में अच्छा लगता है तो ये मेरा लड्डू डांस था लुँगी डांस लुंगी डांस की जगह लड्डू डांस लड्डू डांस तो ये मैंने फटाफट से बना लिए थे मतलब मीडियम साइज़ में बनाने में मेरे बने हैं आठ से नौ लड्डू बने हैं एक्चुअली आई थिंक मैंने काउंट नहीं किया पूरा पर शायद दस लड्डू हैं हाँ तो दस लड्डू बने हैं मेरे अच्छे से और ये मैंने निकाल के रख दिए अपने लड्डू एक प्लेट में क्योंकि जो मेरी कढ़ाई थी हल्का सा मैंने गरम किया था तो भी वो गरम सी ही थी तो मुझे था शायद वो दोबारा मेल्ट ना हो जाए इसलिए मैंने ये एक प्लेट में अच्छे से निकाल दिए और बिल्कुल गैस स्टोव पे मैंने रखे हैं ताकि जब गौरव रात को आएगा तो ही कैन सी के, के लड्डू बन गए हैं उसको अभी नहीं पता कि मैं लड्डू बना रही हूँ आज मैंने उसको कहा था मैं बनाऊँगी बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे टाइम मिलेगा या नहीं तो आज मैंने फ़ाइनली बना दिए हैं जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रही हूँ लड्डू बनाऊँगी लड्डू बनाऊंगी लड्डू बनाऊँगी बट फाइनली आज मेरे लड्डू बनके हो गए हैं रेडी और ये एक छोटा सा लास्ट लड्डू मैंने भी खा लिया बहुत टेस्टी बने है यार ऐप एकदम परफेक्ट मीठा डला है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम एकदम मज़ेदार तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू तो मिनी जी व्लॉग्स जल्दी से ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दो खूब सारा खूब सारा प्यार दे दो ताकि हम आगे भी आपसे मिलते रहें ओके बाय गुड नाइट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में